सर टाटा मोटर्स और बता रहे हैं उसके बाद। जी सर अपने जितने भी शोज हुए हैं सर साथ में, मेरे पहले शो से लेके मैंने इस वाले शो तक, मैंने मेरा एक भी शो ऐसा नहीं है कि जिसमें मैंने टाटा मोटर्स का जिक्र ना किया हो सर। टाटा मोटर्स 393 से मैंने रिकमेंडेशन देना शुरू किया हुआ था आपके चैनल के माध्यम से, और ये 439 चल रहा है। मेरे जो टारगेट्स थे कि वो 540, 580 और 610, वो टारगेट्स इंटैक्ट है। और ये आज के दिन में इंट्राडे में भी ये 450 तक के रेट लगाने की कैपेसिटी रखने वाला है। इसको हर ऊपर के रेट में, हर नीचे के रेट में बाइंग करते चलिए, एसआईपी करके इसके अंदर बाय करिए, वीकली एसआईपी करिए, डेली एसआईपी करिए, मंथली एसआईपी करिए, लेकिन इसके अंदर डेफिनेटली बाइंग रखनी चाहिए और जबरदस्त गेन देगा सर। मैंने तो इसके पहले भी बोला कि कुछ जादू हो जाएगा इसके अंदर और समझ में नहीं आएगा, इस तरीके के भागेगा सर इसको। ठीक है, और जादू होता दिख भी रहा है क्योंकि आज भी जब बाजार कहीं ना कहीं थोड़ा सेटल डाउन हो रहा है, थोड़े से अपने हाइस से नीचे उतरता हुआ और आधे परसेंट से भी ज्यादा की कमजोरी तो नहीं है, लेकिन मतलब उसकी तेजी उतनी नहीं है, 0.31% की रह गई, कुल 50 पॉइंट का प्लस साइड है निफ्टी में। वहीं दूसरी ओर ये टाटा मोटर 2.25% से ज्यादा की तेजी के साथ में अभी भी काम कर रहा है, तो वो ऑलमोस्ट डे हाई इसके आसपास ही काम कर रहा है। 443.85 रुपए का हाई है, 440 के ऊपर अभी भी काम कर रहा है टाटा मोटर्स, तो वो दिखा रहा है कि उसके अंदर में रेजिलियंस है, निफ्टी के साथ साथ कमजोरी नहीं, आउट परफॉर्म करता हुआ। और दो एक दिन के अंदर में कहा नहीं, वैसे इसको कहा नहीं जाता, लेकिन फिर भी उस तरीके से समझिए कि कहीं सिग्नल्स तो दिख ही रहे हैं जो पंकज जी कह रहे हैं, तो उसको तो कहीं ना कहीं हम देख तो सकते हैं कि हाँ वो तेजी, वो मोमेंटम दिख रहा है। और वो कह रहे हैं कि एसआईपी आप डेली करिए, चाहे वीकली करिए, चाहे मंथली करिए, लेकिन किसी भी तरीके से जब जब कोई भी पैसा आए तो उसमें कुछ थोड़ा सा टाटा मोटर्स ऐड करते चलिए। बढ़िया है सर, और बढ़िया मुनाफा हो भी रहा है जी। इस साल की सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक जेएलआर की सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक है, तो उसको भी पूरा कैपिटलाइज करेगा टाटा मोटर्स और बहुत अच्छे तरीके से भागेगा सर। मैं उसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन ऐड करना चाह रहा था, मैं तो एक फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आई एम प्योरली अ टेक्निकल फेलो, लेकिन जेएलआर की जो बुक आई है, जो ऑर्डर बुक जो दिख रही है, वो अभी तक की सबसे हाईएस्ट ऑर्डर बुक है, तो ये कैपिटलाइज करेगा टाटा मोटर्स और डेफिनेट होगा। वो भी करेगा, लेकिन उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर टाटा मोटर्स तो लीडर है ही, अभी तक की रेस में तो आगे चल ही रहा है, तो बाकियों को जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको तो बहुत अच्छे से उसने पीछे छोड़ा हुआ है। मारुति इस समय अब मेरे को सबसे ज्यादा पीछे दिख रहा है फिलहाल के हिसाब से, जब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आ जाता और कुछ वही वाली चीज की बिहाइंड द कर्टन अगर कुछ हो रहा हो, लेकिन फिलहाल तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा, कोई सिग्नल भी नहीं दिख रहा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में उसका पता नहीं था, लेकिन कहीं चार्ट्स में कुछ कुछ लग रहा था, पंकज जी को कह रहे थे, और वो आज बड़ा अनाउंसमेंट आ करके वो पता हो गया कि हाँ क्या था वो वाली चीज है, तो वो भी एक बड़ा प्लेयर है। लेकिन इंडियन प्लेयर्स में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आज की तारीख में उस पूरे इकोसिस्टम को बनाने में अगर कोई सबसे आगे चल रहा है उस रेस के अंदर में, तो वो टाटा मोटर्स है, क्योंकि बैटरीज पे भी काम कर रहा है, बैटरी के अंदर के केमिकल्स पे भी काम कर रहा है, चार्जिंग स्टेशन पे भी काम कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे गाड़ी चार्ज होगी, तो वो जितनी चीजें टाटा वो किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर में जो कुछ जो जितने भी पेन पॉइंट्स कह लीजिए या जितने भी चीजें चाहिए होंगी वो सब कुछ पे टाटा सबसे आगे काम कर रहा था, उसका फायदा भी होता हुआ दिख रहा है, तो वो भी चीज है, और उसका मजा चार्ट्स पे भी और भाव पे भी दिख रहा है। बढ़िया सर जी सर।